शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ने लिया गेड़ी का आनंद। सोमवती अमावस्या के अवसर पर रविवार को हरेली का त्यौहार सादगी और उल्लास से मनाया गया। किसानों ने इस अवसर पर कृषि यंत्र और बैलों की पूजा की। खेतों में कृषि कार्य आम दिनों की अपेक्षा बंद रही। इस वर्ष में मुख्य आकर्षण का केंद्र गेड़ी को बच्चों ने मजा लिया। छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार हरेली का ग्रामीण अंचल सहित शहर में विशेष महत्व रहा। ग्रामीण किसान सुबह से ही इसकी तैयारी में जुट गए थे। गांव गलियों में सुबह से हल और कृषि यंत्रों की धुलाई के लिए किसानों को तालाबों की ओर जाते देखा गया। बैलों को नहलाया गया। गौशाला में मुरुम डालकर कृषि यंत्रों को रखे गए। चावल का लेप लगाकर उनकी धूप दीप के साथ पूजा की गई। हरेली पर्व होने के कारण खेतों में रोपाई और बियासी का काम बंद रहा। पर्व में नारियल फेंक प्रतियोगिता ग्रामीणों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। गांव के चौपालों में बच्चों को गेड़ी का आनंद लेते देखा गया। कई जगहों में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। गांव में गौठान बनने से कई महिला समूह ने हरेली पूजा का आयोजन किया। इसमें जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी गई। गोधन न्याय योजना शुरू होने से गोबर खाद का महत्व बढ़ गया है। समूह संचालन करने वाली महिलाओं में त्योहार को लेकर उत्साह देखा गया। हरेली पर्व संपन्न होने से अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हम लोग हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली त्योहार मनात रहे हैं। सब हमारे जमनी पाली इंदिरा नगर के आदमी मना के यहाँ हरेली त्योहार मनाई है। पहली हमन गेड़ी और हमारे जो के पूजा करे हैं, ओकर बाद हमार गेड़ी चढ़े हैं और नरियल फोड़ प्रतियोगिता रखे रहें, ये सब चीज़ें करवाए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार है जिला हम हरेली के रूप में मानते हैं और आज पूरा जिला वासी मल्ला छत्तीसगढ़ निवासी हमारे वार्ड वासी मल्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार हरेली के हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज सरह लगाए के बाद बियासी होने के बाद सब काम ला हमार आज स्थगित करके आज नांगर हमार रापा गैती सब ला औजार मल्ला हमन आज होके हर्षोल्लास से आज हरेली के रूप में त्यौहार मानते हैं और आज के दिन सारा खेती के सब काम ला आज स्थगित रख के एक संदेश देते हैं कि आज हमन सब खेत के काम ला आज समापन करे हैं और आज हमन त्यौहार मानत हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।